महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भैंसों के झुंड ने बाघ पर हमला कर बाघ को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी घटना का वीडियो ग्रामीणों ने अपने मोबाइल पर बना लिया है। घटना चंद्रपुर के पोंभुलना गांव की है। बताया जा रहा है कि इस बाघ ने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा है। कई लोग इस बाघ के हमले में घायल हुए थे। बुधवार की रात 12 बजे इस बाघ ने भेड़ बकरी चराने वाले एक परिवार पर हमला कर दिया था। किसी तरह इस परिवार ने बाघ के हमले से खुद को छुड़ा लिया था, लेकिन इस घटना में परिवार के 3 लोग जख्मी भी हुए थे। गुरुवार की सुबह भी इसी मादा बाघ ने खेत में जा रहे किसान गणेश सोनूले पर अचानक हमला कर दिया। हमले में किसान बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन किसान के हाथ में कुल्हाड़ी थी तो किसान ने खुद को बाघ से बचाने के लिए कुल्हाड़ी से बाघ पर हमला कर दिया। किसान के हमले से बाघ भी घायल हो गया और मौके से भाग निकला। गुरुवार की दोपहर में ही घायल बाघ भैंसों के झुंड में घुस गया और भैंस के बछड़े का शिकार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन भैंसों का झुंड बाघ पर भारी पड़ा और भैंसों के हमले में बाघ की मौत हो गई। एकता की ताकत के सामने बड़े बड़े सुरमा ढेर हो जाते हैं, ये कहावत यहाँ सही साबित हो रही है। इस पूरी घटना का वीडियो ग्रामीणों ने अपने मोबाइल पर बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि बाघ भैंसों के झुंड में घुस रहा है और भैंस के बछड़े का शिकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भैंसों का एक झुंड बाघ को खदेड़ रहा है। ये मादा बाघ घायल थी। घायल होने के कारण बाघ भैंसों पर हमला नहीं कर पा रही थी। काफी देर तक ये बाघ भैंसों के झुंड में घूमती रही और भैंसों का झुंड बाघ पर बार बार हमला करता रहा। आखिरकार शिकार करने आई बाघ खुद ही शिकार हो गई। इस घटना का वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। बाघ को सामने देखते ही अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ग्रामीण बाघ के बेहद करीब जाकर वीडियो बनाते दिख रहे हैं। ये पूरी घटना हैरान करने वाली है। इस क्षेत्र के वन अधिकारी क्षेत्र संचालक डायरेक्टर जितेंद्र राम गावकर ने बताया कि ये घटना कल की है और वो इस पूरे घटना की जांच में जुटे हैं। बाघ ने किसी पर हमला किया होगा, तभी अपने बचाव में कोई हथियार से बाघ के सिर पर वार किया गया है, जिसके कारण बाघ के सिर पर गहरी चोट आई है। ये अभी कल की घटना है। कल जो बाघ की मृत्यु की घटना सामने आई है, वो करीब दोपहर में हमें एक मैसेज मिला था कि एक बाघ जख्मी अवस्था में मूल तालुका में जो गाँव है वहाँ पर पाया गया है। तो हमारी रेस्क्यू टीम तुरंत हमने वहाँ पर भेजी और बाद में पता चला कि टाइगर की लगभग 4 बजे के करीब उसकी मृत्यु हो गई। तो जब हमने उसको एग्जामिन किया तब पता चला कि उसकी जो हेड है उसमें कोई शार्प वेपन से इंजरी की गई है। तो आज ही सुबह बाघ का पोस्टमार्टम कंप्लीट किया गया और उसके अनुसार हमें यह पता चला है कि किसी शार्प वेपन से इंजरी उनके हेड पे हुई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी गांव वालों से जो उस घटना के दौरान उस एरिया में मौजूद थे। और प्राथमिक अंदाज हमारा ऐसे है कि अगर उस टाइगर ने किसी के ऊपर हमला किया है तो सेल्फ डिफेंस में कोई अटैक हो सकता है किसी शार्प वेपन से और उसके मद्देनज़र टाइगर इंजर हो सकता है। तो ये अभी हमारा सिर्फ प्राथमिक अंदाज है। आज ही हमारा पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ है। जो भी सामने आई है बातें उसके मद्देनजर हम लोग पूरा तहकीकात करेंगे और उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। NBC News के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।